वहीं नामांकन के तीसरे दिन प्रमुख दलों के प्रत्याशियों में नामांकन की होड़ मची रही। भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने जहां नामांकन जुलूस और भारी लाव लश्कर के साथ नामांकन कराया, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा ने नियमों के मुताबिक नामांकन दाखिल कर वापस चले गए, जबकि अकबरपुर सीट पर सिर्फ नामांकन ही दाखिल हुआ। कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट से आगे मस्जिद के पास एक और बैरियर लगाया गया है, जहां प्रत्याशी के साथ 5 से अधिक लोगों को आगे नहीं जाने दिया गया, जबकि भाजपाइयों के साथ बड़ी संख्या में लोग बैरियर से आगे आकर कलेक्ट्रेट के बाहर जमे रहे, जबकि पुलिसकर्मी दूसरे दलों को प्रत्याशियों को नियमों का हवाला देते रहे। वहीं भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी के नामांकन में भाजपाइयों ने सत्ता की पूरी हनक दिखाई। मुख्य द्वार से सैकड़ों की संख्या में भाजपाई कलेक्ट्रेट गेट तक पहुंच गए, जबकि 5 लोग ही अंदर जा सकते थे। अंदर जाने को लेकर सुरक्षा में खड़े पुलिसकर्मियों से भी भाजपाइयों की जमकर बहस हुई। अंदर जाने को लेकर विधायक सुरेंद्र मैथानी भी भिड़ गए थे। दरअसल चुनाव आयोग के मुताबिक नामांकन के लिए सिर्फ 5 लोग ही अंदर जा सकते थे, हालांकि कुछ देर बाद सुरेंद्र मैथानी बाहर आ गए।